Hello dear learners, welcome back to Abhit Siksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abhit Siksha, so let us begin. आज के जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आज के पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर में और बाकी जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें सब में एक ही न्यूज़ छाया हुआ था, दैट वाज रिगार्डिंग आर्टिकल 370 और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर जो है मेजर न्यूज़ है आज. सो दैट वी विल लुक अपॉन इट. ठीक है, सेकेंड इज हार्वेस्ट द ओडिशा स्टोरी टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी. कालाहांडी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ हंगर बोला जाता था. डिस्ट्रिक्ट ऑफ हंगर, ये किस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट में जो है किस तरीके से स्टेप्स अपनाए गए कि अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है जो पहले फूड इंपोर्ट करता था अब फूड एक्सपोर्ट करता है. ठीक है, पैडी कल्टीवेशन यहाँ पे काफ़ी हाई मात्रा में हमें देखने को मिला है. सो ये हम पढ़ेंगे, केस स्टडी के थ्रू में आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें. सो वी विल ऑल्सो लुक इन दैट. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, रिटेल इन्फ्लेशन इज स्टेबल नाउ. ठीक, रिटेल इन्फ्लेशन CPI WPI देखते रहेंगे, सो वी विल टेक इट एज अ रिविजन कि हम जो है रिवाइज करेंगे CPI और WPI के बारे में. ठीक है, सो फर्स्ट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स रिपील ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस. ठीक है, सो जो कल जो है एक 5 जज बेंच के जो है जज ने एक वो किया है, डिक्लेरेशन किया है कि उन्होंने ये बोला है कि अपील जो किया गया था कि जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 था, मतलब आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था. स्पेशल स्टेटस के अंदर क्या था, उनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, उनके अपने खुद के लॉज थे, अपने खुद का फ्लैग्स भी था. ठीक है, तो ये अब इसको जो है अब वो रिपील कर दिया था इन 2019 में जो है इसको रिपील कर दिया गया था. तो उसी के खिलाफ जो है पटिशन एक फाइल किया गया था कि ये जो रिपील है, जो रिपील किया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और यह फेडरलिज्म के खिलाफ है. ठीक है, फेडरलिज्म के खिलाफ है. सो अब जो है उस पर वर्डिक्ट आया है और जजेस जो 5 बेंच के जो जजेस हैं उन्होंने ये बोला है कि दिस इज़ वेरी मच वैलिड. ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा वैलिडेटेड है. क्यों? बिकॉज आर्टिकल 370 जो था ये एक टेम्परेरी रिजोल्यूशन था. ठीक है, एक टेम्परेरी रिजोल्यूशन था. आपको मालूम होगा जब हम ब्रिटिश से हम जब आज़ाद हुए थे तब हमारे पास 4 ऐसे जगह थे जहाँ पे उन लोगों को एकजुट करना, एक प्रिंसली स्टेट्स को हमारे इंडियन यूनियन में लाना वो मुश्किल था. पहला था जूनागढ़, सेकेंड था आपका मणिपुर, थर्ड था आपका कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड फोर्थ था आपका हैदराबाद. ठीक है, तो ये जो तीनों स्टेट्स है, हैदराबाद यहाँ, ये सब, ये मणिपुर, जूनागढ़ और हैदराबाद में जो है यहाँ पे पीस जो है वो लेकर आ पाए थे. लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है थोड़ा एरिया, क्योंकि उसका एरिया जो लोकेशन और उसका अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो वो थोड़ा सा टेंशन भरा रहा है. इसीलिए ये जो है आर्टिकल 370 जो है और साथ में ही आर्टिकल 335 कैपिटल ए जो है ये जो है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था. तो ये जो है इस आर्टिकल 370 को 2019 में जो प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, इसको रिपील कर दिया. ठीक है, जब जैसे ही सरकार चुन के आई पहला काम उन्होंने किया था कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. उसके बाद ये पटिशन डाला गया था कि ये जो है अनलॉफुल तरीके से जो है स्पेशल स्टेटस को जो है छीना गया है. बट नाउ द बेंच हैज़ गिवन द जजमेंट कि ये जो है 370 जो था ये एक टेम्पोरेरी रेजोल्यूशन था. इट वॉज़ अ टेम्प्रेरी रेजोल्यूशन. और जब ये आर्टिकल 370 बनाया गया था तो उसके बाद में ये भी उसके अंदर लिखा गया था कि जब गवर्नमेंट समझती है कि अब उन्हें आर्टिकल को हटा देना चाहिए तो वो गवर्नमेंट उस समय उस आर्टिकल को हटा पाएगी. ठीक है, ये आपको समझ आ गया. सो ये उस समय क्या था कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे जम्मू कश्मीर को मिलता है जो कि एक नॉर्मल स्टेट को नहीं मिलता है, बट वो प्रिविलेजेस किसको मिलता था, जम्मू एंड कश्मीर को. अब वो प्रिविलेजेस छीन ले गए हैं, अब वो उनको वो प्रिविलेज नहीं मिलेगा. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था उसके ऊपर वैलिडिटी जो है वो किसने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, अगर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी किस तरीके से कोई भी अगर नियम कानून लाया जाए जो उनको लगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है देन दे कुड मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास ये जजमेंट पेंडिंग रहेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें अपना वर्डिक्ट देंगे. स्पेशली आपको ये याद रखना है कि जो है अगर स्टेट रिओर्गनाइजेशन करना है तो ये एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू भी किया जा सकता है. ठीक है,
सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू भी स्टेट्स को जो है रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, बट ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा जो लाकर इस पे चेंजेस कर दिया गया था, ठीक है, इस पे सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पास कर दिया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जम्मू कश्मीर जो है हमारा, जम्मू कश्मीर के पास इस ऐसा सोचा गया है कि जम्मू कश्मीर जो होगा हमारे उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है पावर्स रहेगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पास जैसे दिल्ली हो गया या आपका पौंडीचेरी हो गया, उस तरीके से जिन दिल्ली और पौंडीचेरी के पास अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर को भी जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस लद्दाख विल बी अ टेरिटरी, ठीक है, लद्दाख विल बी अ यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। जम्मू कश्मीर विल बी अ यूनियन टेरिटरी बट विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, लद्दाख इज विल बी अ यूनियन टेरिटरी बट विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि सितंबर 2024 से पहले जो है यहाँ पे जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो यही था टॉपिक पूरा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपहेल्ड किया है डिसीजन को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज हार्वेस्ट द ओडिशा स्टोरी टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। सो यहाँ पे आपको मालूम होगा ओडिशा जो है जब आज़ादी के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर स्टेट हुआ करता था, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या बोला, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है ये इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पुअर मोस्ट बैकवर्ड प्लेसेस इन उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है कि जैसे हम लोगों ने कोई पॉलिसीज जो है प्रो पॉलिसीज बनाए हैं कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, अब कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट सेल्फ सस्टेनिंग तो है बट वो एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है, पैडी कल्टिवेशन में उनका इंक्रीज भी हुआ नंबर और उन लोग जो है अब वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। बट आपको ये याद रखना है ये सेम लैंड पे उन्होंने किया है, ठीक है, सेम लैंड जो ज़मीन को हम बोलते थे कि ये बंजर ज़मीन है और यहाँ पे जो है खेती नहीं किया जा सकता है, यहाँ के लोग जो है गरीब ही मरेंगे, बट उसी सेम लैंड पे अब इस तरीके से प्रिसीजन के साथ जो है फार्मिंग किया जा रहा है कि अब कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हंगर फ्री डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहलाया जाने लगा है, ठीक है। सो क्या स्टेप्स थे, किस तरीके से क्या किया गया है, वी विल सी ऑन दैट। पहले तो है कि अभी जो है आप इसमें इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि अभी कॉप के द्वारा जो ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये हमारे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा फूड सिक्योरिटी में, ठीक है, फूड सिक्योरिटी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर कोई करेगा तो वो हमारा क्लाइमेट चेंज करेगा फूड सिक्योरिटी पे। फूड सिक्योरिटी पे हमें जो है क्योंकि जब हम कुछ और साल जो हम बीत जाएगा तब हमें पता चलेगा, क्योंकि इतना सारा जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से क्या है वेदर पैटर्न जो है वो डिसरप्ट हो गया है, ठीक है, वेदर पैटर्न जो है वो डिसरप्ट हो गया है, ठीक है। डिसरप्शन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो है जितना प्रोडक्टिविटी चाहिए था उस प्रोडक्टिविटी में जो है काम नहीं हो पाएगा। सो इसकी वजह से क्या है हमें फूड शॉर्टेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है हमें सीख लेना चाहिए कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से कि उन्होंने किस तरीके से जो है डबल इफ नॉट ट्रिपल जो है उन्होंने अपना अमाउंट को जो है प्रोडक्टिविटी का अमाउंट को जो है इंक्रीज किया है, ठीक है। ओडिशा हैज़ मूव फ्रॉम इंपोर्टिंग राइस फ्रॉम अदर स्टेट्स टू मेकिंग एंड्स मीट इन द प्री 2000, ठीक है, प्री 2000 में जो है जब वो लोग जो है सेल्फ सफिशियंट हो गए थे, बट इन 2022 ये जो है ओडिशा अब जो है एक्सपोर्ट भी करने लगा है, ठीक है। सो क्या है दो इसके नोटेबल एस्पेक्ट है, एक क्या है अब मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल मार्जिनल एंड प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड डिस्पाइट स्टेबल क्रॉप एरिया, ठीक है, प्रोडक्टिविटी लैंड एरिया जो भी है ना वो भी देश का नॉमिनल या फिर मार्जिनल जिसको हम बोलते हैं फार्मर्स उनका जितना ही लैंड है, बट जो प्रोडक्टिविटी है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। और एवरेज जो राइस यील्ड है बिकॉज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली उनका जो फूड है वो हम राइस कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे जो राइस का यील्ड है ये भी हमें ज़्यादा को देखने को मिलता है, विच इज़ ओडिशा मेन क्रॉप हैज ट्रिपल्ड इन 2 decades, ठीक है, जो ये मेन क्रॉप है ओडिशा का वो ट्रिपल हो चुका है, ठीक है। इन 2000-2001 द एवरेज यील्ड वॉज 10.141 क्विंटल पर हेक्टेयर, बट 2021 में क्या देखने को मिला है 27.30 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, दैट इज इट हैज ट्रिपल्ड इन नंबर्स, ठीक है। सो ये कैसे हुआ कि बहुत सारे फ्लैगशिप मिशंस जो है ये जो है अपने आंसर में आप ज़रूर कोट कर सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। आप जब एग्रीकल्चर का जब आप टॉपिक पढ़ेंगे ये टॉपिक जो है आपका
साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता. द टॉपिक इज एग्रीकल्चर. इट इज़ अ वास्ट वेरी बिग टॉपिक एंड एवरी ईयर वी एक्सपेक्ट क्वेश्चन एवरी ईयर. ये एक्चुअली सिलेबस में ही एक अलग सा टॉपिक है एग्रीकल्चर. सो हमें इसके ऊपर जितना हम अपने आप को अपडेट रख पाए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर दैट यू कैन मेंशन दिस स्कीम कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन दैट इज कालिया स्कीम. ठीक है, कालिया स्कीम. इसमें क्या होता है कि साइंटिफिक तरीके से क्रॉप मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस लाइक प्रिसीजन फार्मिंग, माइक्रो इरिगेशन, ठीक है, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, किस तरीके से अपने पौधों को जो है हम किस तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया, फंगीसाइड्स का यूज करके किस तरीके से बेसिकली साइंटिफिकली जो है हम क्रॉप मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, वो प्रैक्टिसेस को जो है अपनाया गया है. ठीक है, और साथ में जो डिजिटल माध्यम है डिजिटल एक्सटेंशन के थ्रू जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है नॉन पैडी क्रॉप कल्टीवेशन भी इंक्रीज हुआ है वाइल पैडी कल्टीवेशन हैज़ डिक्रीज. ठीक है, डिजिटल एक्सटेंशन की वजह से क्या हुआ है कि जो नॉन पैडी कल्टीवेशन है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है और पैडी कल्टीवेशन भी है उसमें हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिलता है. प्लस आपको अगर याद होगा कि पैडी जो है ये क्या करता है, मीथेन रिलीज करता है. ठीक है, मीथेन गैस जो है दिस इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन रिलीज करता है. सो यहाँ पे क्या किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने, ओडिशा मिलेट मिशन जो है ये भी लाया है ताकि हमारा जो पैलेट है, हमारा जो लैंड का जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स उसको रिटेन कर पाए, इसीलिए उन्होंने क्या लाया है मिलेट मिशन. और आपको मालूम ही होगा हम मिलेट को क्या बोलते हैं, श्रीअन्न. ठीक है, श्रीअन्न क्यों, बिकॉज दिस इज़ वेरी वर्सेटाइल, हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर, पानी कम चाहिए उसको उगने में, वेरी मच ड्रॉट रेजिस्टेंट. ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड इज मिलेट. ठीक है, सो ये बहुत अच्छा जो है ये हमारे जो लैंड है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम जो है प्रीडोमिनेंटली किस तरीके से करते हैं, पैडी, फिर हम वीट उगाते हैं, फिर बीच में कोई एक 2-3 महीने के लिए मे बी रेपसीड वगैरह उगा देते हैं, फिर से पैडी. तो ये क्या है, एक मोनोटोनस जो है मोनो एग्रीकल्चर के रूप में निकलता है. बट श्री अन्ना दैट इज मिलेट को अगर हम उगाते हैं तो वो हमारे जो जमीन है उसके उपजाऊ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है. ठीक है, और कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कहाँ में, ओडिशा में. ठीक है, इसीलिए ये स्टेट क्या हो गया है, अब स्टेट जो है सरप्लस हो गया है किसमें, पैडी कल्टिवेशन में. ठीक है, पैडी प्रोडक्शन में ये बहुत ही ज़्यादा सरप्लस स्टेट हो गया है. और साथ में क्या है, फोर्थ मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर इन पैडी पूल ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI के जो पैडी पूल होता है, हर स्टेट जो है अपना एक पूल बनाते हैं, मतलब सारे स्टेट जो है एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, तो उसमें ओडिशा जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. इस तरीके से अगर हम साइंटिफिक तरीके से जो है साइंटिफिक माध्यम का यूज़ करके जो है हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, स्पेशली इन द टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, सो ये आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं. वी विल मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़. द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज रिटेल इन्फ्लेशन इज स्टेबल नाउ सेड फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, सो रिटेल इन्फ्लेशन यू नो जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से बेसिकली लिंक्ड है. सो हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस किया है ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग कौन करता है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी. वी हैव डिस्कस्ड इट अबाउट इट वेरी मेनी टाइम्स. ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी हो गया, इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं, RBI, और 3 मेंबर RBI से होता है, 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट जो है वो भेजती है. ठीक है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो RBI के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है वो MPC के जो है चेयरमैन रहते हैं. मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के जो RBI के गवर्नर होते हैं वो यहाँ के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के. ठीक है, और यहाँ पे जो है जितना भी हमारा इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन हम लोगों का डिजायरेबल इन्फ्लेशन क्या है, 4 ± 2%. ठीक है, 4 ± 2 मतलब 4% 2% जो है वो ज़्यादा, दैट इज 6% के अराउंड जो है हम सह सकते, मतलब इट इज़ बेरेबल. और साथ में 4 - 2 दैट इज 2% जो है दैट इज मतलब बेरेबल. बट जो आइडियल जो है वो 4% है, 4% में जो है अगर इन्फ्लेशन रहेगा दैट इज़ वेरी मच वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी. बिकॉज अगर बहुत ही ज़्यादा कम होते रहेगा लाइक माइनस में है, देन दैट शोज कि लोगों का जो है इंटरेस्ट नहीं है, डिमांड नहीं है तो सप्लाई जो होगा वो लोग खरीदेंगे नहीं, एंड दैट वुड लीड टू यू नो रिसेशन काइंड ऑफ सिचुएशन. ठीक है, और यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा भी है, अगर 7-8% है, तो बिकॉज इतना ज़्यादा है कि डिमांड का यहाँ पे भी लैक हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज लोगों के पास उतना स्पेंडिंग ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जो है एक दिक्कत हो सकता है. ठीक है, वहाँ पे भी हमें जो है एक रिसेशन टाइप का जो सिचुएशन है, एक्सेस इन्फ्लेशन जो है हमें अभी वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में हमें
बहुत सारी कंट्रीज़ में, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ में हमें बहुत हाई लेवल का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है. बट फॉर इंडिया, फॉर इंडियाज़ केस, यहाँ पे जो है हम देख पा रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी है इंडिया में. ठीक है, आप देख पाएंगे कि यस, कभी कभी टोमेटो या फिर अनियंस का जो है प्राइस हमें देखने को मिलता है, बट बाद में वो जो है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं, बिकॉज हमारा डिमांड सप्लाई जो है अब मिसमैच जो है थोड़ा कम रहता है इसीलिए. सो ये बेसिक था इन्फ्लेशन के बारे में. वी विल लुक into WPI and CPI. ठीक है, WPI और CPI क्या है? WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स. ठीक है, और CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. होलसेल प्राइस इंडेक्स से आपको समझ आ रहा होगा कि होलसेल में मतलब बल्क के लेवल में जो है यहाँ पे जो है इंडेक्स तैयार किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे जो है बल्क के लेवल में जो है इंडेक्स तैयार किया जाता है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे जो है ये डायरेक्टली कंज्यूमर पे किस तरीके से इफेक्ट करेगा वो इंडेक्स जो है ये तैयार करता है. ठीक है, अमाउंट्स टू एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज एट होलसेल लेवल. ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटीज जो चेंज होता है एट होलसेल लेवल वो होता है आपका WPI. ठीक है, और ये क्या है? रिटेल लेवल पे जो इन्फ्लेशन है जिसकी हम अभी यहाँ पे न्यूज पे जो बात आया है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? CPI या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस ये वाले लाइन को आप अच्छे से एक बार ये पढ़ लीजिएगा. पब्लिशिंग ऑफिस कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर. ठीक है, और इसका कौन है? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस. ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज कर सकता है बहुत लोगों को. ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे WPI में सिर्फ गुड्स है, लेकिन CPI में क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज बोथ है. ठीक है, तो ये ज्यादा हमें बेटर पिक्चर शो करता है, बिकॉज यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करते हैं, बट CPI में हम गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों की बात करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन मेजरमेंट कब करते हैं? फर्स्ट स्टेज, मतलब जब प्रोडक्शन हो रहा होगा तो उस स्टेज में. ठीक है, उस स्टेज में क्या होता है? ट्रांजेक्शन जब हो रहा होगा तब जो है हम लोग WPI कैलकुलेट करते हैं, बट CPI जो है हम फाइनल स्टेज में जाके कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, फाइनल स्टेज में जाके हम कैलकुलेट करते हैं, जब लोग जो कंज्यूमर है वो खरीदने जाएगा तब हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, प्राइसेस पेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स, कितना प्राइस मैन्युफैक्चरर और होलसेलर पे करते हैं, बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो है बेसिकली कंज्यूमर हम जाके जो खरीदते हैं उसका हम अकाउंट रखते हैं. ठीक है, ये इंडेक्स में उसका वो अकाउंट रखते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ कमोडिटीज कवर्ड, यहाँ पे भी जो है फूड जो है यहाँ पे रहता है, बट फूड का परसेंटेज जो है यहाँ पे कम रहता है, बट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स वगैरह जो है यहाँ पे ज़्यादा रहता है. बट यहाँ पे तो हमें देखने को मिलेगा एजुकेशन जो सर्विस सेक्टर में आता है, कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर में आता है. ठीक है, फूड बेवरेजेस फ्यूल सब कुछ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है अराउंड 40% है वेटेज. ठीक है, यहाँ पे अराउंड ओनली 25% है फूड का वेटेज, बट CPI में जो है ऑलमोस्ट अराउंड 40% है फूड का वेटेज. ठीक है, और यहाँ पे जो है इसीलिए हम जो है इसको ज़्यादा एक्यूरेट समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कंज्यूमर का हमें ज़्यादा समझ को आएगा. ठीक है, बेस ईयर क्या है? 2011-12, और यहाँ पे CPI का है 2012. ठीक है, सो ये बेसिकली ये चार्ट लाया था मैंने, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक और आज की न्यूज़ जितने भी है सब क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन. इफ़ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट. वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.